नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MD2 रीडर पब्लिकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचर वैकेंसी को लेकर। TGT और PGT की जो वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, हरियाणा के अंदर तो हैं ही हैं, साथ ही चंडीगढ़ में भी कुछ वैकेंसियां खाली हैं। तो इस वीडियो में उनके बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि कब ये वैकेंसियाँ निकलेंगी चंडीगढ़ के अंदर, कब तक एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी और आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। कितनी वैकेंसी आने वाली हैं तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपको देने वाला हूँ PRT और TGT वैकेंसियों को लेकर UT चंडीगढ़ के अंदर। उससे पहले दोस्तों, अगर आप यूनिक व्यूअर हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को जल्द से जल्द तुरंत अभी इसी पल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो मिल सके और आप लेटेस्ट अपडेट पा सकें हरियाणा सरकार से जुड़ी हुई, चंडीगढ़ से जुड़ी हुई, दिल्ली से जुड़ी हुई। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय खराब न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2014 में UT के अंदर टीचर की वैकेंसी हुई थी, लेकिन उनमें ऐसा सुनने में आया है कि धांधली है, केस चल रहा है, कुछ टीचर ने स्टे ले लिया है, उनको बाहर निकालने की कवायद हो चुकी थी सरकार के द्वारा, कोर्ट ने भी आदेश दे दिए थे, लेकिन ऊपर केस जाने की वजह से, कैट में केस जाने की वजह से उन्होंने स्टे ले लिया। हालांकि वो अभी नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनकी नौकरी पर तलवार लटक रही है। तो इस बार जो चंडीगढ़ UT प्रशासन है वो काफ़ी जिम्मेदारी से और फूक फूक कर कदम रख रहा है। इस बार कोई धांधली वो नहीं करवाना चाहता है और ऐसा सुनने में आया है कि इस बार जो है इंटरव्यू नहीं होंगे, ओनली रिटर्न एग्जाम आपका होगा। और कितने पद होंगे, सर्व शिक्षा अभियान के तहत भरे जाएंगे 611 पद। टोटल पूरे UT के अंदर 115 स्कूल हैं जिसमें 417 JBT के पद होंगे और 194 TGT के पद होंगे। हाईकोर्ट एजेंसी ने किया इनकार, अब नाइटर को मिली। तो पहले ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि जो टीचर की वैकेंसी है उनका रिटर्न एग्जाम हाईकोर्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी लेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हाईकोर्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी ने मना कर दिया, अब कोई नाइटर के नाम से कंपनी उसे जो है जिम्मेदारी मिलेगी। उनकी मीटिंग भी हो चुकी है, 15 सितंबर के बाद चंडीगढ़ में शुरू होगी टीचरों की भर्ती। तो दोस्तों, अगस्त का महीना चल रहा है, अंतिम दौर में है अगस्त, अब 15 सितंबर को आपकी चंडीगढ़ की रिक्रूटमेंट आ जाएगी, चंडीगढ़ वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट पर आ जाएगा। तो अभी क्या पूरी डिटेल मैं पढ़कर बता देता हूँ। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में 600 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया सितंबर से शुरू होगी। विभाग 15 सितंबर के बाद विज्ञापन जारी करेगा जिसके लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। शिक्षा विभाग की कई मीटिंग का दौर पूरा हो चुका है। सूत्रों के हवाले, UT के 115 सरकारी स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान SSA के तहत 611 नए JBT जूनियर बेसिक टीचर और TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की नियुक्ति की जाने, भर्ती प्रक्रिया को 3 महीने के भीतर पूरा करने का टारगेट रखा है। दिसंबर तक नए चयनित शिक्षकों को की सरकारी स्कूलों में ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तो ये देखिए, एक चौंकाने वाला फैक्टर और निकल कर सामने आ रहा है कि दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो महीने कितने बचे, 4-4 महीने में पूरा काम हो जाएगा, तैयारी तेज कर दीजिए। विभाग को MHRD की ओर से भर्ती की अनुमति मिली है। SSA शिक्षकों में 417 पद JBT के, 194 पद TGT के तहत भरे जाने। इन पदों के लिए चंडीगढ़ के अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली से हजारों आवेदन आने की उम्मीद है। 4 साल बाद चंडीगढ़ में शिक्षकों की भर्ती होगी, एग्रीमेंट जल्द होगा फाइनल। पहले शिक्षा विभाग ने SSA, वो मैं बता रहा था कि SSA को ये एग्जाम कराने का, रिक्रूटमेंट पूरी करने का जो है जिम्मा दिया था, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया। ये देखिए, 150 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, नहीं लिया जाएगा इंटरव्यू। तो ये भी टेंशन आपकी दूर होगी, इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी। आप वो लिखित परीक्षा पास करके जो है टीचर आसानी से चंडीगढ़ में लग सकते हैं। एजेंसी करने वालों की लिखित परीक्षा लेगी, परीक्षा डेट 100 की होगी जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और दोस्तों, कल एक चंडीगढ़ पुलिस को लेकर भी मैंने वीडियो बनाई थी कि आपका जो एग्ज़ाम 3 माह आगे पहुंच गया है, वो इसमें भी थोड़ा सा कटिंग लास्ट में आई है। 520 कांस्टेबल की ऑनलाइन परीक्षा शेड्यूल हो गया रद्द। और ये देखिए, पिछली भर्ती पर भी लटकी है तलवार, 850 को मिला स्टे। जो मैं बता रहा था वीडियो की शुरुआत में कि पहले वाली भर्ती है उस पर जो खतरे के बादल मंडरा रहे, UT शिक्षा विभाग के लिए नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया बिना विवाद के संपन्न करा पाना बड़ी चुनौती है। 2014 में शिक्षा विभाग द्वारा 1150 रेगुलर शिक्षकों की भर्ती पेपर लीक मामले कारण विवादों में, इन शिक्षकों की भर्ती पर तलवार लटकी हुई है। मामला कैट में होने के कारण 850 शिक्षकों को फिलहाल स्टे मिला हुआ। देखिए, 1150 में से 850 कैंडिडेट ऐसे हैं
जिन पर जिन्होंने स्टे लिया हुआ है उनकी तलवार है, यानी कि इतनी बड़ी धांधली थी भी उसमें भर्ती में। यह भर्ती पंजाब यूनिवर्सिटी की रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो बनाने में कोई गलती होगी तो माफ़ करना, अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।